जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आपके सामने यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने के लिए हल्दीराम के बेक बाइट स्पेशल सूजी रक्स। जी हाँ, ये पैक अभी मैंने मार्केट से यहाँ से बाय किया था, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही तो काफ़ी मुश्किल से ये पैक मुझे यहाँ पे मिला है। तो स्वैप देख सकते हैं, हल्दीराम स्नैक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इसके मैन्युफैक्चरिंग की गई है। यहाँ पर सारी आपको डिटेल मिल जाती है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से, और बाकी रिव्यू अगर आपको देखते हमारे चैनल पर जाकर से ज़्यादा वहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इसमें कितना न्यूट्रिशन है, क्या क्या चीज़, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, एनर्जी कितनी है, और इसमें शुगर कितनी है, फैट कितना है, और यहाँ पे ट्रांस फैट कितना है। और उसके नीचे आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं, क्या क्या इसमें मिला है, किस चीज़ से इस रस को यहाँ पे बनाया गया है। तो काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे पैक पे आपको देखने को मिल जाती है। पैक भी आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी प्राइस की, इसकी वेट की बात करें तो ये वेट में आपको आई थिंक मेरे हिसाब से आपको मैं दिखा दूँ, नीचे साइड पे इसका वेट लिखा होगा तो आप देख सकते हैं, नीचे साइड इसका वेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे 300 ग्राम। जी हाँ, 300 ग्राम का ये पैक आपको मिलता है। और इसकी प्राइस क्या है, प्राइस मैं आपको बता दूँ कि इस 300 ग्राम का प्राइस क्या है। प्राइस यहाँ देख सकते हैं, आपको 40 रुपये का प्राइस मिलता है। इस पर आपको यहाँ पे बैच नंबर मिल जाता है, और इसकी जो डेट होती है कब इसका पैक हुआ है वो भी डेट आपको मिल जाती है, और कितने ग्राम का ये भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए इसके चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें कैसे आपको यहाँ पे रक्स दिया जाते हैं, यानी पापे, जो नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं पापे। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे इसके साइज़ मिलता है, काफ़ी यहाँ पे क्रिस्पी है, क्रिस्पीनेस काफ़ी, क्योंकि ये सूजी के बने हुए हैं, रवे के बने हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से पैकिंग की गई है, कोई भी पापा यहाँ पर, कोई भी रक्स यहाँ पर आपका ब्रेक नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इसको यहाँ पर बेक किया गया है। और इसमें इलायची का भी यूज़ किया गया, जब आप पापे यहाँ पे चाय के साथ या फिर ऐसे सादे भी अगर खाते हैं तो यहाँ पे आपको इलायची के दाने भी दिखने को मिलते हैं। इसमें इलायची का फ्लेवर भी आपको काफ़ी अच्छा लगता है, जिनको इलायची पसंद है पापे में इलायची, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ये बिस्कुट पसंद आने वाले हैं, ये रस पसंद आने वाले हैं, ये पापे पसंद आने वाले। अगर आपको वीडियो में अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, अगर न्यू व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।